हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ सभी के लिए। देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या जैकपॉट निकलने वाला है इन कार्ड्स में से, और क्या मैसेज है जो डिवाइन हमको पहुँचाना चाहते हैं, हम तक कन्वे करना चाहते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ बताएं कि आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज़ बताएं आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओके। आई होप कि अब आपको बेटर दिख रहे होंगे कार्ड्स, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है अबंडेंस, इसके हम यहाँ रखते हैं। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला मैसेज निकल कर आया है वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन, देयर इज समथिंग बेटर। अगला है फॉरगिवनेस, उसके बाद है टेक एक्शन और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और बॉटम ऑफ डेक है हमारा अबंडेंस। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला निकल के आ रहा है मैसेज डिवाइन की ओर से, एंजल्स की ओर से, वो ये है कि अगर आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं और आप उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, उसी पुराने तरीके को अपना रहे हैं, तो डिवाइन का ये मैसेज है कि अपने तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि इसमें आप न्यू क्या कर सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको कैसे बना सकते हैं और इसको और ज़्यादा यूजफुल कैसे बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका, कोई वर्क है, या कुछ भी ऐसा आप करने की सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो डिवाइन का ये मैसेज है, एंजल्स का ये मैसेज है कि आप एक नया पथ सिलेक्ट करिए अपने लिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और आप जो भी पुराना वर्क भी कर रहे हो अगर, तो उसको भी आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, नए तरीके से उसको एक नया रूप देने की ज़रूरत है। अगला है देयर इज समथिंग बेटर। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की, हमारे कुछ व्यूअर्स की जॉब छूट गई हो, या फिर जहाँ भी वो वर्क करते हो वहाँ पर उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही हो, उनको किसी विशेष जगह पर, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, या उनसे ये कहा जा रहा हो कि आप घर पर बैठिए, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, या कुछ ऐसा जो उनको दुख दे रहा हो, उनके लिए थोड़ा सा पैनिक हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी नए प्लेस पर जाएंगे वहाँ आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यहाँ से बेटर एटमॉस्फियर मिलेगा, यहाँ से बेटर लोग मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, आपके गुडविल के लिए हो रहा है, तो भगवान पर भरोसा करके मूव कर जाइएगा। अगला है फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर ये मैसेज है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, और लाइफ में उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे आसपास उनके लोग हैं जो उनको बार बार टीज करते हैं, पिन करते हैं,
छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर। तो डिवाइन का ये मैसेज है कि आपको इन सबको माफ़ करने की ज़रूरत है। सबको अपने अपने कर्माज मिलेंगे, जैसा जो करेगा वो वैसा भरेगा। आप किसी के भी प्रति अपने मन में कोई दुर्भाव मत रखिए, कोई बुरी भावना मत रखिए, बस जाने दीजिए, लेट गो करिए और फॉरगिव करिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। ये डिवाइन का मैसेज है। जो भी हमको परेशान कर रहा है, बस उसको गॉड ब्लेस यू बोलकर और माफ़ कीजिए। अगला जो है बॉटम ऑफ डेक है, वो है अबंडेंस का, और इसके नीचे ही कार्ड है यस का। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द से आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये अबंडेंस उनके नए पार्टनर के रूप में होगी, कुछ लोगों की लाइफ में ये अबंडेंस लॉट्स ऑफ मनी के रूप में होगी। बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है आपके पास डिवाइन की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। कुछ लोगों की लाइफ में ये न्यू बेबी हो सकता है, कि हो सकता है कि आपके घर में बेबी बॉय या बेबी गर्ल का बर्थ हो। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर एक किसी नए नए प्लेस पर जाने का है, कि आप हो सकता है कि नए घर में गृह प्रवेश करें या फिर आप किसी नई जगह पर, नए शहर में जाएं। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर नौकरी में पदोन्नति के भी अवसर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अबंडेंस आपको मिलने वाली है नियर फ्यूचर। अगला है कार्ड टेक एक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत से व्यूअर्स हमारे यहाँ पर हैं जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर वो जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में हैं, उसको झेल झेल कर परेशान हो चुके हैं। वो सहन करते रहते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, या उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो उनको परेशान करती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया समाज की चिंता मत करिए। अगर आप कोई बेटर वर्क करना चाहते हैं, कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, एक्शन लीजिए। अगर आप अपनी किसी हॉबी को शार्प करना चाहते हैं, अपनी हॉबी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक्शन लीजिए। अगर आप के अगेंस्ट लोग बार बार खड़े होते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, तो अपने लिए एक्शन लेना सीखिए। और यहाँ पर ये मैसेज है सभी के लिए कि लाइफ में कोई भी मुश्किल आए, बस आपको आगे बढ़ते जाना है, टेक एक्शन, और स्टक नहीं रहना है किसी भी जगह पर, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है डियर फ्रेंड्स। तो आपको किसी भी जगह पर रुकना नहीं है। परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी हों, हमको हमेशा चलते रहना है, गतिमान रहना है। अगला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जो भी डिजायर कर रहे हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी वो डिजायर पूरी होने वाली है, आपकी वो विश पूरी होने वाली है। गॉड आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं उस विश के साथ जो आपको बहुत समय से सोच रहे हैं। बहुत से व्यूअर्स हो सकता है कि यहाँ पर नए घर के बारे में सोच रहे हों, कुछ अपनी जॉब चेंज करना चाहते हों, कुछ नई जॉब को चाहते हों, कुछ गवर्नमेंट जॉब को चाहते हों। तो सबके लिए यही मैसेज है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा, कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में ही आपकी विश पूरी होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज एंजल्स के मैसेज आप सभी के लिए। आई होप कि सबको अच्छे लगे हों, मैसेजेस अच्छे लगे डियर फ्रेंड्स। तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से पुश करिएगा, जिससे कि जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ, आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुँचें। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।